अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। मैं हूँ आपकी डॉक्टर डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। आज बात करूँगी फीमेल्स के इमोशंस के हवाले से, यानी कि होम्योपैथी एंड द लेडीज़ इमोशंस। ठीक है, इस बात को हम डील करेंगे आज। तो याद रखिए कि अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट है अपने माहौल से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द से, तो आप सीपीआर को कभी भी ना भूलिए और सीपीआर के ज़रिए आप उसको क्योर कर सकते हैं। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा पजेसिव है कोई फीमेल, तो आप उसके लिए लेक्सस को याद रखिएगा, और अगर उसमें जेलसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो फिर एपिस को मद्देनज़र रखिएगा। बट इफ़ द वुमेन इज़ वेरी लेसिवेशियस, तो हायोसाइमस इज़ द मेडिसिन के आप उसके ज़रिए उसको ट्रीट कर सकती हैं। ये है ब्यूटी ऑफ दी होम्योपैथी जो मैं आपके सामने आज शेयर कर रही हूँ। एंड इफ़ द फीमेल इज़ डांसिंग लेडी, यानी कि आप देखें कि अक्सर होता है किसी मौके पर, किसी इवेंट पे बाकायदा तौर पे डांस स्टार्ट कर देती हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों में एलिमेंट होता है। लेकिन ये कि हम बात कर रहे हैं फीमेल्स के हवाले से, तो वहाँ पर आप टैलेंटूला को याद रखिए। एंड इफ़ द वीमेन इज़ या और लेडी इज़ ब्यूटीफुल, तो दैन बैलाडीना इज़ द रेमेडी। और अगर लेडी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है तो कैल्केरिया कार्ब इज़ द मेडिसन। और याद रखें कि अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो फिर पल्सा को आप कभी ना भूलिए, पल्सा इज़ द मेडिसन के वहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स इन बातों से वाकिफ भी होंगे, और बहुत से जूनियर्स डॉक्टर्स के लिए ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड इफ़ द लेडी इज़ वेरी रिलीजियस, तो स्ट्रामोनियम को याद रखिए। स्ट्रामोनियम जब आप देंगे तो नॉर्मल, उसके अंदर नॉर्मल चीज़ आ जाएगी, और वो जो बहुत ज़्यादा किसी तरफ रुझान होता है वो नॉर्मल सेंस में आ जाता है। एंड इफ़ द लेडी इज़ ब्रूडिंग इन नेचर, यानी ब्रूडिंग होती है बहुत ज़्यादा, यूँ कह लीजिए मलामत करना, कुड़ना, अंदर ही अंदर जो है वो गम को बर्दाश्त करना, तो देन नेट्रोम्योर को आप याद रखिएगा। नेट्रोम्योर इस सिलसिले को क्योर कर देती है। और अगर जो है फीमेल बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ही ज़्यादा मकरूर है, तो फिर प्लाटीना को आप याद रखेंगे। एंड द इफ़ देखिए, इफ़ द फीमेल इज़ वेरी अफेक्शनेट, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत प्यार करने वाली हैं, तो फॉस्फोरस इज़ द मेडिसन। तो आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।